आइडियल मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भीख मंगे हो जाओगे। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पोर्न साइट देखने में, पहले पाकिस्तान पोर्न बना रहा है, पोर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है, उन पे तो चर्चा करना ही बेकार है। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पोर्न साइट देखने में, पहले पाकिस्तान था, हमने अब उसे पीछे कर दिया है। कहीं तो हमने विजय पाई है पाकिस्तान पे, पहले पाकिस्तान था, अब हिंदुस्तान पहले रैंक पर, यह उपलब्धि है हमारी, बहुत बढ़िया, ताली बजना चाहिए। उपलब्धि कहीं भी हो, उपलब्धि तो है ही है। ये इटली नीदरलैंड जैसी कंट्रियां ये बड़ी परेशान रहती हमसे, सेक्स अलाउड है पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो कहीं भी शूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को। और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बड़े चिंता में पड़ते हैं कि यू आर मॉरल पीपल, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, तुम हिंदुस्तान में सेक्स पर बात पब्लिकली नहीं कर सकते, पब्लिकली करोगे तुरंत लोग नाराज हो, भाई बंद करिए, भाई सब बदबीजी कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अगर सेक्स शब्द चिल्ला दोगे 50 लोग पलट जाएंगे तुझे, कहां कहां नहीं ऐसे ही चिल्ला रहे। लेकिन अगर सेक्स पर तुम पब्लिकली बात करोगे लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई साहब गंदी बातें मत करिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जितना ये देश सेक्स का विरोध कर रहा था ना, उतनी वीडियो देखो फेसबुक की क्लिपिंग, सारी हदें पार कर दी हैं इस देश ने। वो किसका नतीजा है, दमन का। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता, मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर वन पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नैतिक तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं सब, एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70-80% लोग, लैपटॉप मोबाइल में एक सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत। अभी राजकुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राजकुंद्रा को, पोर्न बना रहा है, पोर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं। इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीत नियम और नैतिकता मोरालिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो हिंदू, चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया, और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली, और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गर्म हो, मैंने क्या किया है, लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखा दिया। मौलाना ने कहा कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काय प्रवचन दे रहे हो, कसम खुदा की, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। आइडियल मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई है। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना लिए यहां, अब वो सेव हो गई अंदर।
दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं, एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, भिखमंगे हो जाओगे।